डायरेक्शन तहत पूरे पंजाब दे विच सारे जिलों के जिनी भी जेल्स हैगी पंजाब पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद प्रिजन डिपार्टमेंट जो पंजाब का हैगा उन्हां दे नाल इन कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द स्टेट चैकिंग हो रही है जेल्स की जो बड़ी थोरोली असी चैक किया ये असी मल्टीपल लेयर्स लाई ने पेरीमीटर सिक्योरिटी है नाकाबंदी है तो नाल साडे एंटी सैबोटाज टीम साडे कैनाइन स्क्वाड ते हमारे मुलाजिम ते प्रिजन डिपार्टमेंट के मुलाजिम उन्होंने काफ़ी डिटेल दे विच सर्च ऑपरेशन इत्थे चलाया हैगा पूरा साडे अफसर ने भी राउंड लैके ते इत्थे डीपली सर्च की है इनमेट्स के बैरिक्स दे विच भी अराउंड ते ड्यूरिंग दी सर्च असी कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल्स भी मिले सानू कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स ते एक मोबाइल ते दूजा मोबाइल भी मोबाइल टाइप हैगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैगा तो वील बी प्रोसीडिंग एज पर लॉ अगेंस्ट सर ये फिर अंदर कैसे पहुँच जाते हैं जी वो अभी कितना पहुँचते हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पहलू हैगा तो, भी पर्च दर्ज हुए ने जी उन्होंने भी हर रोज नहीं मतलब नहीं जी कार्रवाई होंगी है जी जो भी मोबाइल फड़े जाते हैं जी जी नहीं मिलो ना थोड़े वालों क्राइम रिपोर्ट भेजी जाती चेक कर सकते हो भी कोई यह महीना नहीं जो पाँच सत्त फोन अंदर ना मिलते जी बिकॉज ना मल्टीपल लेयर्स होंगी है पेशी के लिए भी जाते हैं उतें भी काफ़ी सख्ती की जाती है यहाँ मुलाकात में भी यहाँ पे काफ़ी पुख्ता सब प्रबंध किए हुए हैं सीसीटीवी हैगा मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है बट कितने कोई किसी की इन कनाइमेंस हो जाता है कितने कोई नेगलीजेंस वजह से हो जाता है वो सारा तफ्तीश का पार्ट है डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाता है क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाता है जो भी पत्रकार अंदर बैन नहीं दिता जाता मोबाइल फोन ये नशीलियाँ चीज़ा हर चीज़ इतों पर नहीं जो फिर नहीं जी जो एज पर लॉ ही चलिया जाता है जो अगर ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल अंदर गया वो खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है तो जिन्हों एक्सेस है उन्होंने ही देता नहीं जिम्मे नामालूम व्यक्तियों के मोबाइल के अंदर मिलता है नामालूम व्यक्तियों के पर्च दर्ज किया जाता जी और पुलिस मुलाजमान क्यों नहीं किया जाता क्योंकि सिक्योरिटी तो चारे पास लगी होंगी वही मैं कह रहा ना जी कि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पहलू होंगे तो अननोन ते करन तो बाद उहदे विच नामजद भी किए जाते हैं जिदा मैं दसिया क्रिमिनल ते डिपार्टमेंटल एक्शन दोनों लिते जाते हैं अगर किसी भी कनाइमेंस मिलती है जी असी अज अंदर देख के आए अज भी वैसे सुपरिटेंडेंट साहब कुलविंदर जी ने काफ़ी वधिया इतने अरेंजमेंट्स किए हैं कुछ नए उपराले भी ये लैके आए हैं इतने वाटर कूलर्स वगैरह उन्होंने वेलफेयर वास्ते गेम्स वगैरह का प्रबंध किया गया है स्किल डिवलपमेंट के इन्होंने नए उपराले करते हुए इन कोऑर्डिनेशन विद डीसी साहब इतने इलैक्ट्रिसिटी मेसन का कारपेंटर दैन कुकिंग अलग अलग वक्त वक्त था तरह की इन्होंने क्लासेस भी ऑर्गनाइज़ की हैं ताकि बाद दे विच इन्हों एक इंप्लॉयमेंट जनरेशन की फैसिलिटी मिले लोन का प्रबंध भी किया तो नाल दी नाल एजुकेशनल प्रबंध भी किए हैं अज भी इन्हों कुछ अराउंड 35 इनमेट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं उन्होंने एग्जाम्स चल रहे थे दो टीचर्स बाहर तो आके उन्होंने एग्जाम भी ले रहे थे तो काफ़ी वधिया अंदर वेलफेयर तो अगे उन्होंने रीहैबिलिटेशन वास्ते भी काम किया जा रहा है सर पत्रकारों को अंदर ले जाके सर्च क्यों नहीं की जाती बारे की कहोगे नहीं जी तो देखो ये एज पर दी प्रोटोकॉल जिहड़ा हैगा प्रिजन डिपार्टमेंट रूल्स रेगुलेशन के तहत होंदा उहदे विच जिन्हों एक्सेस दिता जा सकता है वो ही अंदर जा सकता है पिछले जी अंदर सुसाइड होया सीगा उहदे मुताबक रिपोर्टिंग रिपोर्टरां वल्लों सुपरिटेंडेंट साहब नूं फोन किया गया पर इन्हां ने फोन भी नहीं चुक्के जी नहीं देखो जनरली तो जी अगर मिस हो जाता है कोई फोन अभी अननोन कई फोन आ जाते हैं मिस भी हो जाते हैं बट ऐसा की गल नहीं है कि जो सारा कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कर सकते बिल्कुल जी बिल्कुल स्टेट लेवल की चेकिंग का किस तरह की फीडबैक दे रहा आपके अगला सब प्रिपरेशन जरा कहा जा नहीं जी रेगुलरली देखो वैसे तो साड़ी रैंडम चैकिंग सरप्राइज चैकिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस वालों भी होंगी है ऑलमोस्ट रेगुलरली और रैंडम चैकिंग प्रिजन डिपार्टमेंट वालों भी होंगी है ता ही ये रिकवरीज होंगी है कोई ना कोई क्राइम होंदा है ता ही आपां डिटेक्ट करते हैं उन्हों क्योंकि एफर्ट्स लगता है एफर्ट लगन तो बाद ये सानू भी इतला देंदे हैं असी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं फोरेंसिक भी कराते हैं तो तह तक पहुँचते हैं सज़ा भी मिलती है ठीक है।